कैसे दोस्तों, मेरा नाम गोवर्धन है। हम आज चले सकाने के बारे में व्लॉग करने जा रहा है मैं और आसन भाई। चलो आगे बढ़ने के लिए। गोवर्धन भाई उधर उसके बारे में कुछ थोड़ा। किसका? वो सामने भाई साहब, ये सकानी सुपर मार्केट है, इसमें सब कुछ मिलता है। कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कुछ मिलता है। हाँ, बस ये जगह अच्छा है घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। इससे अच्छा बेटर जगह कोई नहीं मिलेगा आप लोग को, इसलिए हम व्लॉग बना रहे हैं। सब लोग इधर का रहने वाला है। देखो बिल्डिंग है, कैसी कैसी बिल्डिंग है, मस्त है बिल्डिंग इधर की। आपको कैसा मस्त स्पेशल वॉश कर रहा है भाई साहब का रेस्टोरेंट नया ओपन हुआ है, उसके वजह से इसके फ्रंट में सफाई कर रहे हैं। ये नया जो है ना वो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है और इसलिए सफाई बहुत कर रहे हैं, देख सकते हैं, अच्छा दिख सके, ताकि अच्छा दिख सके। और उन्होंने वो डेकोरेशन भी अभी तक की है। अभी तक इन्होंने तकरीबन 2-4 दिन हो गए यहाँ पर, इन्होंने देखे खोलने वाला है। बाहर जो है कुर्सी वर्सी भी रखा है सब कुछ। ये तकरीबन मलवारियों का होटल है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक बार्बर शॉप, जहाँ पे अफ्रीकन, मलवारी, पाकिस्तानी, चाइनीज, फिलिपिनीज तकरीबन सब यहाँ पर कटिंग करने के लिए आते हैं। हाँ नहीं यार, पक्की बात है, पीना है तो बोल रहे। हाँ चल चलने, चाय उनसे लेते हैं। चलो चाय। हाँ चाय का थोड़ा एक्सप्रेशन अभी गोवर्धन भाई बोल रहे हैं कि जाके चाय पीने हैं, तो इनका चाय भी आपको हम दिखा देते हैं कैसा है। तो चाय वाले को भी मुलाकात भी कराएंगे, इसी बहाने आपको चाय वाले से भी मुलाकात करा देंगे। ओके तो हम लोग जा रहे हैं, देखो शॉप में कुछ ना है, हम लोग इधर से शुरू हो रहा है। ये हमारे भाई साहब हैं, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। देसी डिलाइट, और आपका नाम है देसी डिलाइट ये भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मोहम्मद नासर। मोहम्मद नासर जी, देख सकते हैं ये मोहम्मद नासर। आपके रेस्टोरेंट का नाम क्या है? देसी डिलाइट। देसी डिलाइट, ओके। लखनऊ का। लखनऊ के भाई साहब हैं। आज का खाना भी आपको बता ही देते हैं। ओके क्या कहते हैं आज का स्पेशल क्या है भाई साहब? आज का स्पेशल चिकन बिरयानी है, चिली गार्लिक फ्राइड राइस है, चिली चिकन है, बीफ कीमा है, कढ़ाई चिकन है। तो इधर का स्पेशल है जी, आप डिनर है, लखनऊ का स्पेशल है, ये लखनऊ का स्पेशल, लखनऊ का स्पेशल है भाई। अच्छा है, चलो अच्छा है, खुशबू तो बहुत मस्त आ रहा है, मस्त आ रहा है। अभी फिलहाल हम चाय पीने के मूड में है, तो खाना इंशाल्लाह फिर कभी टेस्ट करेंगे। बेशक भाई, बेशक जी। तो दो चाय देते हैं भाई जान। सोनू भाई दो चाय दे दिए। तो यहाँ पर है इनके चाय का। हाँ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये हमारे भाईजान आपका नाम? हाँ वसीम। हाँ जी, ये हमारे भाई वसीम साहब हैं, हम इन्हीं से हर रोज चाय लेते हैं, बहुत अच्छा है, अदरक वाला चाय। हाँ जी, और अभी दो चाय दे दो। जी हाँ, देख सकते हैं चाय अमेजिंग चाय है, मस्त कड़क चाय, कड़क चाय।
जी हाँ, अभी हम पहुँचे हैं ग्राउंड के पास। ये सकानी कैंप का ग्राउंड है, इधर लड़की और लड़का लोग खेलता रहता है और इन दोनों का डेज भी इधर लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लेडीज का जो डेज है वो मंडे और वेनसडे को है, और अगर बॉयज इस डेज में आएंगे तो देख सकते हैं फाइन है 1500 दिरहम। जी हाँ, रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ये है सकानी का ग्राउंड। जी हाँ, ये है सकानी का ग्राउंड। हर कसम के खेल खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शटल का जो ग्राउंड है, ये वॉलीबॉल का, वो सामने वॉलीबॉल है, और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये है फुटबॉल का ग्राउंड, और उससे आगे वो देख सकते हैं बास्केटबॉल का है, वो जहाँ पे 3-4 लड़के खेल रहे हैं, एक तरफ और क्रिकेट भी खेल सकते वहाँ पर वो लास्ट में। चलो आगे जाएंगे। तो ओके चलो, देखो भाई फुटबॉल की ग्राउंड कितना मस्त है एकदम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड जो है बहुत अमेजिंग ग्राउंड है। इधर का जगह बहुत खूबसूरत है, जो लोग सकाने में रहने वाले लोग के लिए बहुत बढ़िया है। और मजे की बात है कि हमारे यहाँ वहाँ पर एयरपोर्ट भी साथ में ही है, हम लोग को मस्त व्यू मिल सकता है फ्लाइट टेक ऑफ लैंडिंग करते हुए, क्योंकि मोस्टली अभी यहाँ पर कार्गो का सामान आता जाता है, तो इसके वजह से ये कार्गो का है, पैसेंजर का नहीं है फिलहाल। देखो आसपास, देखो मस्त मौसम भी मस्त है। अभी तकरीबन शाम का टाइम हो गया है, आप देख सकते हैं शाम के टाइम भी जो व्यू है बहुत अच्छा आ रहा है। ये पूरा फुटबॉल का है, देखो भाई कितना बड़ा है, आप देख सकते हो। हम क्रिकेट का तरफ बढ़ रहा है, देखो सबकी पसंदीदा खेल क्रिकेट, क्या नज़ारा है यार, क्या मस्त है, सब बिल्डिंग है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अभी यहाँ पर इतनी आबादी नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी तो इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आपको अगर सहूलत मैसर हो जाए हर किस्म की तो शायद यहाँ पे आबादी और ज़्यादा हो जाएगी। और ये सामने वाला जो ग्राउंड है ये आप देख सकते हैं, ये क्रिकेट का ग्राउंड है। हम बाहर से दिखा रहे हैं, हम अंदर जाने वाला है फिलहाल। अभी टाइम स्टार्ट हो गया है इनके आने का, आप देख सकते हैं अभी लोग आ रहा है ऐसा ऐसा के आस्ता आस्ता, जो लड़कियां वो आ रही हैं। और अभी लाइट लड़की भी आती है भाई, लोग आप देख सकते हो लोग को भी खेलते हुए और एक्सरसाइज करते हुए, हर लोग आता है इधर, हर एक्टिविटीज कुछ करता रहता कुछ है। बात करना चाहेंगे इनसे? चलो बात करेंगे। देखो ये लोग है भाई गुंडन, इनके उनसे पूछते हैं यहाँ के खेलने के बारे में कुछ, आप कहना चाहेंगे क्या? कॉल देम। हेलो ब्रदर, गुड इवनिंग, हाउ आर डूइंग? वी जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चन बिकॉज वी आर मेकिंग सम व्लॉग्स इन सकानी, सो वी वांट सम फीडबैक फ्रॉम दिस अबाउट दिस यू नो प्लेग्राउंड। So, do you like this playground? You don't know? You don't play or what? They are football, new. Only football. Yes. Wow, good. How good you are at football? I don't understand. I'm not English? You don't speak English well? Yeah, yes. Oh. Okay, nice, nice. French. Where are you from? French, Cameroon. Oh, Cameroon. And your good name, please? Patrick. Oh, how long you been in Dubai? 4 months. 4 months. Yeah. And you working as a what? In Expo? Yes. Oh, good. It's a good place, no? Expo. Yeah, yeah, yeah. Did you go there? Yes. Or visiting? Today also, is it a free entering today also? Yes. You don't understand. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, Habib. Introduction. Hey, Lagbhai. Chalo, andar badhte. ये है भाई, ये है बास्केटबॉल। देखो लोग आना शुरू हो गया, अभी थोड़ी देर में लाइटिंग भी ऑन हो जाती है। जबरदस्त ग्राउंड है भाई, ऐसा ग्राउंड दुबई में नहीं मिलेगा, नहीं सकानी में नहीं मिलेगा फिलहाल, जब लाली।
दुबई तो बहुत अच्छी देश है यार, घूमने के लिए, आयश करने के लिए। मज़े की बात है तो दुबई देखो, बिल्डिंग है, लड़की बिल्डिंग बिल्डिंग है, कैसे कैसे एकोमोडेशन देता है। देखो ऐसा एकोमोडेशन किसी को नहीं मिलता है क्योंकि अभी स्टिल न्यू है यहाँ पर, इसलिए एक्सपो में काम करने वाले लोग को ऐसा फैसिलिटी मिल रहा है। देखो ये तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है भाई, और रूम भी साफ है, रूम भी मस्त है एकदम, 8 घंटा ड्यूटी है, सब कुछ है। कंपनी भी अच्छी केयर करती है हमारा, और क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ मिलता है इधर दुबई में, जो मांगेगा आपको। देखो यहाँ पर आके आप अपने मुस्तकबिल सुधार सकते हैं। एग्जैक्टली, लोग इधर अभी ये देख सकते हैं, अभी ये देख सकते हैं, ये भाई साहब लाइट ऑन करने वाले हैं, तकरीबन थोड़ी ही देर में लाइट ऑन हो जाएगी। टेक्नीशियन है, आप देखते हैं इनका टाइम हो गया आने का, और अभी ये लाइट चालू करेंगे थोड़ी देर बाद। हमारा चाय भी ख़त्म हो गया है। हाँ बिल्कुल, हमारा चाय ख़त्म हो गया, मस्त चाय बना हुआ है। भाई साहब लाइट ऑन करने वाले हैं आप, लाइट ऑन करने वाले हैं। हाँ ये हमारे भाई साहब हैं जो हर रोज़ ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, और लाइट ऑन करने के लिए इनका ज़िम्मेदारी है, देख सकते हैं। और भाई साहब है इंडिया का लग रहा है, इंडिया का है ना, क्या नाम है आपका भाई साहब? राजा इंडिया। अरे राजा हिंदुस्तानी। ओ तमिल, डू यू स्पीक तेलुगु? तमिल, ओनली तमिल। हाँ कितना दिन हो गए दुबई में? 4 साल हो गए। ओह माय गॉड, कौन सी कंपनी आपकी? हाँ डिजर्व, डिजर्व यू। यही कंपनी में 4 साल से रह रहे हो? नहीं ये अभी आया पहले। अच्छा है, अच्छा है यार। और कैसा लग रहा है ये जगह आपको? सकानी मस्त है ना, खेलने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, अच्छा वेदर भी है, क्लीन भी है मोस्टली। चलो अभी आज, लाइट आने वाली है आज हो गया। वाओ, ऐसे बात के देख सकते हैं अभी लाइटिंग चालू हो गया, वाओ अमेजिंग, क्या नज़ारा आज देख सकते हैं आप यहाँ पर। अभी तकरीबन और बंदे आएंगे यहाँ पर, बहुत ही मस्त नज़ारा हो जाएगा, जब फुल हो जाएगा तो मस्त लगता है ग्रो। जी हाँ, लाइटिंग अभी स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी, बहुत है उसे। हम लोग दुबई को नहीं छोड़ना चाहते, ऐसा ऐसा फैसिलिटी मिलता है ना तब हमको छोड़ने के बजाय नहीं करता है। चलो हम क्रिकेट का ग्राउंड में आगे बढ़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं आपका पसंदीदा गेम क्रिकेट है। ये है क्रिकेट का ग्राउंड भाई साहब, देखो मस्त है, इधर खेलने के लिए अच्छा है। लाइटिंग भी शुरू हो गया, अभी तो कोई नहीं है फिलहाल, लोग तो इधर लोग ऐसा ऐसा आ जाएगा खेलने के लिए, ज़्यादा पाकिस्तान इंडियन लोग आता है, क्रिकेट तो वही तो खेलता है ना। और इस ग्राउंड में ज़्यादातर युगंडंस, हाँ जी फुटबॉल के लिए युगंडंस रहता है, वॉलीबॉल के लिए नेपाली लोग, इंडियंस मिक्स रहता है। और देखो जैसा है हमारा भी वॉलीबॉल फेवरेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भाई आज की व्लॉगिंग का दिन है, शुरुआत कर रहे हैं हम, आज ही फर्स्ट डे है ग्राउंड के बारे में, फर्स्ट ये हमारा ग्राउंड के बारे में। तो नेक्स्ट भी आपको मिलते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे, और क्या है इधर का नेचर भी बहुत अच्छा है इधर का। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चलो पास कर दो अभी, अल्लाह हाफिज़।